गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, आप बताओ कि कश्मीर में अपने निर्दोष बंदे कितने कश्मीर जेल में डाल के रखे हैं? मैंने पहले ही बोल के रखा है इमरजेंसी लगा दो देश में, नहीं तो इससे ज्यादा आफत आएगी। किसकी वजह से आएगी? ये तानाशाही गवर्नमेंट जो है ना, इसकी वजह से आएगी। हमारी सुनाई ऊपर वाला सुन लेता है। गॉड इन गॉड मीन जनरेट ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय। सेंट्रल गवर्नमेंट तक हमने चिट्ठियां लिखी, LG साहब को लिखी, इधर एक BJP का दलाल था राकेश ठाकुर जिसको कहते हैं, उसने रामन बनाल में पूरी जितनी भी कंपनियां है ना उसने खा ली है। उधर दो का पेंटी था, उसको पुलिस ने मतलब इतना मारा कि मैंने उसी टाइम सोच लिया कि मैं इंसाफ के लिए लड़ाई करूंगा, तो मैंने नौकरी छोड़ दी। टीचर यूनियन का मैं प्रेसिडेंट था 7 साल, जम्मू से लेकर जंतर मंतर तक मैंने प्रोटेस्ट किया। लेबर के साथ ना हिसाब से हो रही है, अगर कंस्ट्रक्शन जो एक लेबर ठेकेदार को आगे से नौकरी 22,000 या 23,000 रुपए सैलरी देती है एक लेबर के लिए, तो वो कमीशन खा के उनको 12,000 और 13,000 रुपए सुबह से लेकर शाम तक 12 घंटे वर्क करते हैं, ये कौन सा इंसाफ है? काका सिंह मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लेबर के हक में उन्होंने यहाँ डिस्ट्रिक्ट रामन में क्या क्या स्ट्रगल की, आए इनसे जाने के। सबसे पहले आपका बहुत बहुत कश्मीर क्राउन में क्या कहना चाहते हो? धन्यवाद धन्यवाद कश्मीर का लिए। मेरा नाम काका सिंह है। एक्चुअल में बेसिकली मैं पहले बचपन की थोड़ी हिस्ट्री बता दूंगा। 2001 से 3 तक मैं ग्रेटर कश्मीर से रिपोर्टर रहा, 3 में मैं गवर्नमेंट टीचर एज ए थर्ड टीचर 1500 में, यानी 15 साल नौकरी की जिसमें से मेरा 5 साल RET थे जो कि हमारा 1500 में सैलरी मिली। उसके बाद मैं परमानेंट हुआ, 8 में परमानेंट होने के बाद 11 बाद मैंने इलेक्शन लड़ा। टीचर यूनियन का मैं प्रेसिडेंट था 7 साल, जम्मू से लेकर जंतर मंतर तक मैंने प्रोटेस्ट किया। लास्ट में 2018 में सितंबर का महीना था, जम्मू में गुमट बाजार में मेरे साथी यानी 20-25 हज़ार टीचर थे जिसमें से हमारे एक साथी को मारा जिसका नाम था जमात अली। 2002 का पेंटी था, उसको पुलिस ने मतलब इतना मारा कि मैंने उसी टाइम सोच लिया कि मैं इंसाफ के लिए लड़ाई करूंगा, तो मैंने नौकरी छोड़ दी। उसके बाद मैंने एक इलेक्शन लड़ा सरपंची का, उधर भी कामयाब नहीं हुआ। 2021 में मैं यूनियन खड़ी की जिसका नाम था कंस्ट्रक्शन वर्कर यूनियन, उसका मैं प्रधान हूँ। उसके बाद जो हमने 133 डेज प्रोटेस्ट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट तक हमने चिट्ठियाँ लिखी, LG साहब को लिखी, इधर एक BJP का दलाल था राकेश ठाकुर जिसको कहते हैं, उसने रामन बनाल में पूरी जितनी भी कंपनियां है ना उसने खा ली है, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के UT के जो प्रेसिडेंट है ना BJP के, इसने खा लिया पूरा जम्मू कश्मीर। पहले तो हमारे जम्मू कश्मीर को NC गवर्नमेंट ने खाया, जो बची खची कसर थी वो भाजपा ने खा ली। हम गरीब लोग जो हैं इंसाफ की लड़ाई करते हैं तो हमारी सुनाई कुछ नहीं है, हमारी सुनाई ऊपर वाला सुन लेता है। गॉड मीन जनरेट ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय, भगवान हमारी सुन लेगा। ये BJP वाले चोर नहीं सुनेंगे, क्यों? इन्होंने पूरा जेंड के खाया। मैं दावे से कहना चाहता हूँ अगर BJP वाले सच्चे हैं, निर्मल सिंह के घर की वेरिफिकेशन करो। राकेश ठाकुर 2014 से पहले एजेंट था टाटा कंपनी में, आज उसकी प्रॉपर्टी चेक करो, कहाँ है गवर्नमेंट? अपोजिशन पार्टी को आप दबाते हो, ये कौन सा कानून है? एक देश में एक ही बंदा है जो पूरे देश को चला रहा है, मैं उसको सल्यूट करता हूँ दिल से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब। बाकी हमारे देश के अंदर अफसरों को मौका मिला लुट के खाएंगे, लीडरों को मौका मिला लुट के खाएंगे, ये तानाशाह राज नहीं चलेगा। मैंने पहले ही बोल के रखा है इमरजेंसी लगा दो देश में, नहीं तो इससे ज़्यादा आफत आएगी। किसकी वजह से आएगी? ये तानाशाही गवर्नमेंट जो है ना, इसकी वजह से आएगी। इन्होंने जुल्म किया मेरे जैसे बंदे पर, इन्होंने अगर 4 FIR लगाए तो कश्मीर में कितने लोगों को इन्होंने जेल डाल रख रखा। मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, आप बताओ कि कश्मीर में अपने निर्दोष बंदे कितने कश्मीर जेल में डाल के रखे हैं? काका सिंह के खिलाफ आगे 4 पर्चे लगाए, इंसाफ की लड़ाई कर रहा था, क्यों? क्योंकि अभी मैं इनका पार्टी ज्वाइन करता हूँ, एक वाला भी दूसरा पार्टी वाला भी है, पैच भी वोट होंगे तो लोग पैर नीचे दो मतलब लिख ले गया, तू कौन मैं कौन मेरे को नहीं जानता हूँ। 3 डोगरा सौ में सकाल सिंह के साथ चला, जब मैंने पूरा जो तोड़ा ठीक तोड़ा, लेकिन इसका दुरुपयोग BJP ने पूरा किया, क्योंकि यह जम्मू कश्मीर की लोगों की एक प्रॉपर्टी है, यहां पर बाहर का बंदा कामयाब नहीं है, यहां के लोगों का कल्चर अलग है। 370 द्वारा लगना चाहिए, इसमें जो है बाहर के बंदा कामयाब इसलिए नहीं है, यहां पर तानाशाह राज किया उन्होंने 4 साल BJP वालों ने। मैं ये तानाशाह राज कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे FIR लगाई, मैंने इंसाफ के लिए लड़ाई की, एक आदमी बराबर FIR लगा के मतलब इन्होंने जम्मू कश्मीर को खाना, जम्मू कश्मीर सर का ताज है और BJP को शाप है आने वाले 24 में तुम्हारा एक भी पिकअप। लेबर यहाँ पे लेबर कमीशन, लेबर कमीशनर हमारा रामन में जो है, ये DC साहब का एजेंट है, इसको क्या मैं बोलूँ, ये DC हमारा जो है ये एजेंट है,
पता नहीं किसने इसको अफसर लगा कर रखा है, आता जाता कुछ नहीं है, कानून जानता नहीं है। बीजेपी वालों ने फोन किया, मैं PSC लगा दूंगा, बस इसको इतनी पढ़ाई आती है, मैं PSC लगा दूंगा, इसकी क्वालिफिकेशन इतनी है। जो ठेकेदार होते हैं या ये क्या करेंगे, जो कंपनी जो है ना, जो कंपनी बनती है, ये सभी चोर होते हैं, ये लेबर लॉ इसलिए फॉलो नहीं करते हैं, इनको पूरा डिसिप्लिन से देने पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक इनकी लॉबी है। तो लेबर के लिए आप क्या करना चाहते हैं? लेबर के लिए यही है, जब तक NH 44 नहीं खुलेगा, 2500 वर्कर को इंसाफ नहीं होगा, ये NH 44 नहीं खुलेगा। आज पैंठाल टूटा, आज रामन टूटा, कालपुर चंद्रकोट नाशरी से पहाड़ आकर जमीन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सर बहुत जुल्म हुआ है, गरीबों के बच्चे मारे गए। जब हमने लेबर से बात की, उनका कहना है कि हमें 12,000 की 13,000। हाँ, देखो लेबर को 12 घंटे काम करते थे तो इनको 12,000 या 13,000 देते थे, जो ज़्यादा बोलता था उसको रोमान चलाकर PSL बोलते मार देंगे तुझे, लोग गरीब हैं ये भाग जाते थे। मेरे पर 3 बार गुंडे भेजे। कंपनी इनको कितना देती है ठेकेदार को? जो ठेकेदार कंपनी का, कंपनी वाले खुद चोर हैं, दो क्या देंगे आगे 22 कुछ नहीं, नहीं नहीं, कंपनी वाले ऊपर से नीचे तक चोर हैं जनाब। तो कंपनी वालों का ठेकेदार बात एक ही है, कंपनी और ठेकेदार तो बात एक ही है ना। मैं तो बोलता हूँ सबसे पहले NHS सबसे बड़ा एक नंबर चोर है। लेबर कमीशन ने पीछे ऑर्डर करके रखा है, उसमें बोल कर रखा है CPPL एक नंबर उसमें आती है ओपन एट, जिसने किसके खिलाफ केस हुआ फैसला हो गया, उसके बाद आती है HCC, उसके बाद NHA कि भाई एक महीने के अंदर नहीं, एक महीने के अंदर नहीं, गरीबों के अकाउंट में पैसे डालो, ऑर्डर हो गया, जुडिशियली ऑर्डर है। NHA लिखती है उनको, NHA खुद चोर है। बेसिक 22-23,000 उनकी सैलरी है, 12,000 इनको देते हैं, ये सारे खाते हैं ना, नीचे और ऊपर तक लॉबी बनी हुई है। आवाज सिर्फ एक ऊपर वाला सुन सकता है, यहाँ धरती में जो हमारे देश में है ना, सच्चाई की एक ही बंदा लड़ रहा है इस टाइम, इंसाफ के लिए बंदा लड़ रहा है देश में, राहुल गांधी जो है नेक्स्ट प्रधानमंत्री होगा, वो इंसाफ की लड़ाई कर रहा है, हम राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, दिल से हम राहुल गांधी को थैंक्स कहते हैं। और देश के अंदर एक ही अफसर सही है, चंद्रचूड़ साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, बाकी है इनका कोई जमीर नहीं है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जय हिंद। हाय शाहिद। हेलो अस्मित, कहाँ गई थी? मैं देशभक्त यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गई थी अपना एडमिशन कराने के लिए। ये देशभक्त यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है? अरे शाहिद, क्या आप नहीं जानते, देशभक्त यूनिवर्सिटी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 की एक AIEDP गाइडलाइंस के तहत सभी कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए पैरामेडिकल के 3 कोर्सेज जिसमें BMLT, BOTT, BRIT की एडमिशन होती है। लेकिन ये AIEDP गाइडलाइंस क्या है असमत? सिंपल है शाहिद, आप गूगल पर अपारेंटशिप इंटर्नशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम 2020 NEP गाइडलाइंस को लिखकर सर्च करेंगे तो AIEDP के बारे में सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी। अच्छा, तो मैं भी आज देशभक्त यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाकर अपना एडमिशन कराता हूँ। शुक्रिया असमत, आपने मेरी एडमिशन की टेंशन दूर कर दी।